सभी दोस्तों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि आज आपकी जो छुट्टी है वो बहुत ही मज़े से गुजर रही होगी। दोस्तों मैं भी छुट्टी पे हूं, लेकिन मेरा मन किया कि मैं आपसे बात करूं, तो इसीलिए मैं आज आपकी सेवा में उपस्थित हूं और कुछ थोड़ी बात करना चाहूँगा इस चैनल के बारे में, यानी हिंदुस्तान न्यूज़ एंड टिप्स के बारे में, और कुछ जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उस पर भी दो बातें करना चाहूँगा। जो मित्र पाकिस्तान के मामलों पर निगाह रखते हैं वो अक्सर ऐसे सवाल उठाते हैं कि आखिर ये मदरसा मुल्क कब तबाह होगा। कई बार मेरी वीडियो पर भी इस तरह के कमेंट आते हैं कि सर इतने वक्त से बोल रहे हैं कि पाकिस्तान तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, लेकिन इसका तो कुछ भी नहीं बिगड़ा है। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान आज बहुत बुरी हालत में है, मगर उसके बावजूद भी उन्हें लगता है कि पाकिस्तान का शायद कुछ नहीं बिगड़ा है और वह सिर्फ मीडिया की चर्चाओं और या रिपोर्टों में ही बर्बाद हुआ है। साल 2018 में मैंने इस चैनल की शुरुआत की थी, यानी हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स चैनल की शुरुआत की थी। यह शायद जुलाई का महीना था और अगस्त में इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने वाले थे, जबकि भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार थी और वो अपना 4 साल का जो कार्यकाल था उसे पूरा करने जा रही थी। उस वक्त पाकिस्तान के तबाह होने की इतनी चर्चाएं नहीं होती थी जितनी कि आजकल होती है, और इन 4-5 सालों में मैंने पाकिस्तान के बारे में बहुत अधिक जाना है और उसी के आधार पर मैंने बहुत सारे विश्लेषण भी किए हैं, और मुझे खुशी है कि उनमें से बहुत सारे विश्लेषण सटीक साबित हुए। लेकिन एक विश्लेषण आज भी मेरे लिए चुनौती बना हुआ है। मुझे कराची से एक बार ऐसी रिपोर्ट मिली थी कि जिसमें कहा गया कि जो बालाकोट में एयर स्ट्राइक की गई थी उसमें जो आतंकी मसूद अजहर था वो मारा जा चुका है, और मैं आज तक अपने उसी दावे पर कायम हूँ। और जब तक पाकिस्तान मसूद अजहर को लेकर कोई अपडेट नहीं देता है तब तक मेरा ही विश्लेषण मेरे लिए चुनौती बना हुआ है। तो दोस्तों साल 2019 में जब भारत में फिर से मोदी सरकार सत्ता में आई तब मैंने एक और विश्लेषण किया था। तो तब मैंने बताया था कि इस बार गृह मंत्री अमित शाह धारा 370 को हटाएंगे, और मुझे खुशी है कि मेरा वो विश्लेषण बिल्कुल सटीक साबित हुआ था और जैसा मैंने बोला ठीक वही चीज़ें हुई थी। उस वक्त कहा जा रहा था कि धारा 370 हटाना बहुत मुश्किल काम है, दोनों देशों में युद्ध हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा, पता नहीं क्या तूफान आ जाएगा। तो लेकिन वो सब कुछ हुआ और कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों इस तरह की जो आप देखते हैं कि पाकिस्तान का कितना बिगड़ा है कितना नहीं बिगड़ा है, तो आप जब शुरू से लेकर चलेंगे, और मुझे लगता है कि साल 2014 के बाद पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा भारत आक्रामक हुआ है, भारत की जो पॉलिसी थी पाकिस्तान के जो प्रति वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, और आज पाकिस्तान जहाँ पर खड़ा हुआ है तो वो भारत की पॉलिसी का ही नतीजा है। आप अगर पीछे जाएंगे तो पाकिस्तान आपको आज के मुकाबले पहले काफ़ी मजबूत नज़र आएगा, लेकिन आज कहाँ है वो स्थिति आप जो वीडियो हम लोग बनाते हैं आप तक पहुँचाते हैं उसमें आपको समय समय पर बताया जाता है। और ख़ासकर मैं पाकिस्तान पर ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ तो मुझे इसकी वजह यह है कि मुझे पाकिस्तान के बारे में मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा है, उसके बारे में जानता हूँ, उसके बारे में रिसर्च करता हूँ, इसलिए जब मेरे पास उसी की ज़्यादा नॉलेज है तो मैं आप तक वही अपना जो ज्ञान है या जो मेरे पास रिपोर्ट आती है वही पहुँचाने की मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब हम अपनी आज़ादी के आज 75 साल का उत्सव मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है और भारत कहाँ पर खड़ा है, क्योंकि दोनों देश करीब करीब 7 आज़ाद हुए थे, एक दिन का फ़र्क था, और इन 75 सालों में भारत कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है। मैं पाकिस्तान के लिए भारत की तुलना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोनों देशों को एक साथ आज़ादी मिली थी और दोनों देशों ने एक ही वक्त पर अपने विकास यात्राएं शुरू की थी। तो ख़ास बात यह है कि जो ये आतंकी देश है पाकिस्तान, इसकी बर्बादी की कामना हर कोई हिंदुस्तानी करता है, और आज मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखूंगा और कुछ मित्र उनकी पुष्टि करना चाहे तो अपने स्तर पर कर सकते हैं, और जो गूगल के खिलाड़ी हैं शायद वहां पर भी आपको ये आंकड़े कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, हो सकता है किसी ने डाले हों या रखे हों वो देख सकते हैं। तो 1971 में
जब भारत की जो जीडीपी थी वो महज 67 अरब 35 करोड़ डॉलर थी, जबकि पाकिस्तान की जीडीपी 10 अरब 60 करोड़ डॉलर थी। अब 2022 में भारत की जो जीडीपी है वो करीब 3173 अरब डॉलर के लगभग है, जो 1971 के मुकाबले आज कह सकते हैं कि 38 गुना ज़्यादा है। यानी 49 सालों में भारत की जीडीपी में 7.7% की औसत दर से बढ़ोतरी हुई है, जबकि पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो 6.68% की दर से बढ़ी है, और ये अब यह उसकी करीब 23 गुना यानी कि उस वक्त से 346 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गई है। तो ऐसी बात नहीं है पाकिस्तान ने की तरक्की नहीं की, पाकिस्तान ने की है, लेकिन वहाँ पर जो भ्रष्टाचार भारत के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, और कई जगह उसने जो विकास यात्राएं थी, जो ये दोनों देशों की विकास यात्राएं चली थी उसमें वो कई जगह पिछड़ा है। उसके पास एक दूरदर्शी सोच की कमी है, अभाव है उसका, और उसके पास एक अच्छी नीति नहीं है। अब मैं वही कह रहा हूँ कि मैं यहाँ भारत की और पाकिस्तान की तुलना नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अब बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 90 के दशक में पाकिस्तानी रुपया भारत करेंसी पर भारी हुआ करता था, यानी कि पाकिस्तान के रुपये के मुकाबले हमारा जो रुपया था वो कमज़ोर था, लेकिन आज उसी भारतीय रुपये में पाकिस्तान के 2.74 रुपये आते हैं। यह आंकड़े इस बात का प्रतीक कह सकते हैं कि पिछले 5 सालों में मदरसा मुल्क कहाँ चला गया है, सिर्फ 5 सालों में, क्योंकि अगस्त 2018 में जब ये चैनल कह सकते हैं कि शैशव काल में था, तब एक भारत रुपए में पाकिस्तान के 1.79 रुपये आते थे और आज 2.74 रुपये आते हैं। अब आती है कि कौन ताकतवर है और पाकिस्तान और कितना पिछड़ रहा है। अब कह सकते हैं कि दुनिया के जो सबसे कमजोर देशों की जो लिस्ट है उसमें भारत आज करीब 63वें स्थान पर है और पाकिस्तान 27वें स्थान पर आ गया है, और जो भारत की जो कह सकते हैं कि भारत की जो मौजूदा जीडीपी है विश्व की 6ठी सबसे बड़ी जीडीपी है, और पाकिस्तान 44वें स्थान के आसपास खिसक गया है। ये तो इससे पता लगता है कि आज पाकिस्तान कहां पर जा रहा है। अब किसी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कितनी मजबूत है, अगर इसका पैमाना कोई हमारे पास है तो वो उसके विदेशी मुद्रा भंडार से तय होता है। पाकिस्तान के पास आज मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया है कि 8 अरब के समथिंग विदेशी मुद्रा भंडार बचा हुआ है। अगर उसी के मुकाबले उससे जो बांग्लादेश अलग हुआ था उसकी अगर हम तुलना करें तो 39 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार तो बांग्लादेश के पास है। अब पाकिस्तान के ऊपर जो कर्जे हैं, कुल मिलाकर जो घरेलू और विदेशी कर्जे हैं वो करीब 256 अरब डॉलर का कर्ज है, और आपको हैरानी होगी कि इस देश की कुल वैल्यू 346 अरब डॉलर है। अब यह देश बर्बाद नहीं है तो क्या है, 256 अरब डॉलर का उसके ऊपर कर्ज हो गया है और उस देश की कुली कीमत 346 अरब डॉलर है। लेकिन 90 के दशक में ऐसा नहीं था, तब पाकिस्तान काफ़ी मजबूत था, काफ़ी मजबूत स्थिति में था, कर्ज तो वो तब भी उठाता था अपना, जब से वो आज़ाद हुआ तभी से वो कर्जों के बल पे चल रहा है, लेकिन भारत उससे बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ किया, भारत ने बहुत ज़्यादा तेज़ी से विकास किया और अब आज छठी जो दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उसकी उसको तरफ आ गया है वहाँ तक, और 5 ट्रिलियन जो इकोनॉमी है अब वो होने जा रही है आने वाले वक्त में। तो भारत ने अपनी जो यात्रा है, जो आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो गर्व होता है कि आज हम कहाँ पे खड़े हैं। अब अगर हम 2019 में जो पाकिस्तान की जो खुदरा महंगाई थी उसकी बात करें तो वो 9% के करीब थी, यानी कि उस टाइम इमरान खान सत्ता में आ चुके थे और अगस्त 2018 में वो आए थे, और तो एक साल बाद ही उसमें 9% वहाँ की जो खुदरा महंगाई दर थी वो वहाँ पहुँच गई थी, और आज ये 13% पर है। पाकिस्तान की जो 23 करोड़ की आबादी है उसमें 4 करोड़ लोग बेरोजगार हैं और 37% पूरी तरह गरीबी में रह रहे हैं, और इसमें से 5% ऐसे लोग हैं जिन्हें कई कई दिन खाना नसीब नहीं होता है। यानी पिछले 8 वर्षों में देखा जाए तो पाकिस्तान का जो हालात है वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं, और पाकिस्तान को कहते हैं कि तबाह कब होगा, पाकिस्तान तो तबाह है, पाकिस्तान तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है।
अभी मैं देख रहा था कि अभी सऊदी अरब डॉलर ने 3 अरब जो डॉलर का जो लोन था उसको बोल दिया कि थोड़ा मोहलत दिया उसमें कि हमको बाद में दे सकते हैं ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी बचाई जा सके। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो बचा रहे हैं थोड़ी बहुत, तो चीन हुआ, सऊदी अरब हुआ, और पीछे से अमेरिका भी सहयोग करता है, उसकी वजह से ही पाकिस्तान जिंदा है। तो एक बार जो पाकिस्तान के पत्रकार थे तो एक डिबेट में उन्होंने कहा था कि दुनिया कभी भी नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाए, उसके हालात श्रीलंका जैसे हो जाए। असल में वो करता क्या है कि वो अपना जो आतंकवाद है, मुस्लिम जो आतंकवाद है, मुसलमान जो आतंकवाद है, इस्लामिक आतंकवाद है, तो उसका जो हुआ है वो पश्चिमी देशों को उसका खड़ा करता है और पश्चिमी देशों को डराता है। तो ये एक ब्लैकमेलिंग है और इसी वजह से शायद पाकिस्तान रेंग रहा है। तो अगर देखा जाए तो नहीं तो पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है। अगर आप पिछले 8 वर्षों में पाकिस्तान का जो घाटा है आज वो सबसे ज़्यादा है, यानी 3.5 लाख करोड़ तक उसका बजट घाटा पहुंच गया है। साल 2018 में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था औसत 4.3% की दर से आगे बढ़ रही थी और जब 3% से भी नीचे खिसक गई है। अगर आज वर्तमान में जो पाकिस्तान की जीडीपी है वो 1975 में कभी भारत की हुआ करती थी, यानी कि 44 साल पहले भारत की जो जीडीपी है वो पाकिस्तान जो आज पाकिस्तान की है उतनी जीडीपी होती थी। फिर भी लोग सवाल करते हैं कि पाकिस्तान कब बर्बाद हो रहा है, तो लोग चर्चा ही कर रहे हैं कि भाई आप कहते रहते हो कि पाकिस्तान तो बर्बाद हुआ ही नहीं, आपने तो कहा था वो हो जाएगा। तो चीज़ें दिखाई नहीं देती, लेकिन वहाँ के जो हालात है, जो स्थिति है पाकिस्तान की, जो मैंने कुछ आंकड़े आपको दिए हैं, वो उसके बर्बाद होने का एक पैमाना है। तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान तो वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, और सिर्फ जैसे चीन, सऊदी अरब या अमेरिका जो कह सकते हैं कि वो एक चिकित्सक की तरह उसे बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। पहले अमेरिका इस तरह उसकी सर्जरी करता था, अब कह सकते हैं कि उसने इंजेक्शन देना बंद कर दिया, तो चीन और सऊदी अभी टिके हुए हैं, और जिस दिन ये अभी पीछे हट जाएंगे तो उसके मरने की भी खबर आ जाएगी। तो दोस्तों हो सकता है कि मेरी बातें आप समझ रहे होंगे, और पाकिस्तान के भविष्य को लेकर तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन फिलहाल जो हालात हैं वो पाकिस्तान ख़त्म हैं। फिर भी आपको याद रखना चाहिए कि जो भारत की जो मीडिया है उसकी भूमिका को आपको नहीं भूलना चाहिए, जो काफ़ी लंबे अरसे से पाकिस्तान के खिलाफ एक आक्रामक अभियान चला रही है। साल 2014 से पहले पाकिस्तान को लेकर मीडिया में ज़्यादा चर्चा नहीं होती थी या ज़्यादा टीका टिप्पणी भी नहीं होती थी, पर जो आज अभियान चल रहा है सोशल मीडिया ने, उसने कह सकते हैं कि सोशल मीडिया ने पाकिस्तान की बर्बादी में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए अपनी मीडिया का समर्थन कीजिए, अपनी हिंदुस्तान के जो पत्रकार हैं, जो मीडिया सोशल मीडिया है या कोई और प्लेटफार्म है, तो उनका आप समर्थन कीजिए और कम से कम उनके प्रयासों का मजाक मत उड़ाइए और उन्हें हतोत्साहित करने की कोशिश भी ना करें। तो दोस्तों मैं चंद बातें आपसे कहने के लिए आया था और उम्मीद करता हूं कि मेरी भावनाओं को आप समझे होंगे, और आपको फिर से 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।